तो ये भाई इनका बटर चिकन चेक कर ले भाई एक बार। ये है जिसके लिए मैं स्पेशली आया था, लेकिन यहाँ पे इसको से लगाएंगे और उसके बाद उसको ट्राई करेंगे कितना। अगर आप बेहतरीन सा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन घर पे बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है ना बटर चिकन के लिए भाई कुकिंग ऑयल जो है वो आ गया है, और भाई जो बता रहे हैं वो अपने फ्रेश मसालों से सब कुछ बनाएंगे। यहाँ पे मक्खन आ गया इनके ऑयल में, और साथ में आ गए यहाँ पे कसूरी मेथी, और बिल्कुल दिल्ली वाला पुराने दिल्ली वाला बटर चिकन बन के आएगा यहाँ पे, है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो है ना पुराने दिल्ली वाला बटर चिकन जो है वो बन के आएगा भाई बिल्कुल। और ये आ गया इनका अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया भाई। तो ये आ गया इनका अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसकी जो है ना भाई भुनाई चल रही है यहाँ पे। और अब जा रही है इसमें दही। ये दही है या कुछ और भी है इसके अलावा? सिर्फ दही है? अच्छा, क्रीम दही मिला के है ये। अच्छा, यहाँ पे क्रीम और दही जो है ना वो मिला के जा रही है इसके अंदर। और अब जो है नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ जा रही है भाई हमारे? अच्छा, ये ग्रेवी है आपकी, क्या क्या चीज़ रहती है इसमें वैसे? इसमें काजू होता है, बादाम होता है। अच्छा, काजू बादाम टमाटर वगैरह की ग्रेवी है। तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी आ गई भाई, और खुशबू जो है ना भाई बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये आ गया भाई काजू का पेस्ट हो गया अलग से, मतलब टमाटर वाले पेस्ट में भी काजू था, ये अलग से भी काजू है। अच्छा अच्छा, इसमें जो मखनी टेस्ट आता है वो किससे आता है, काजू से आता है या किस चीज़ से आता है ये? मखनी टेस्ट आता है क्रीम से और बटर से। अच्छा अच्छा, और आपको काजू से? काजू से हैं, ये बात है। हटाओ लो। अब ये आ गया इसके अंदर तंदूरी चिकन आ गया भाई। तो ये बटर चिकन जो है ना भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का बनने वाला है, और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है इसके अंदर। और भाई जो है ना वो हमारे दिल्ली के शेफ है भाई, ये आ गया खोआ। खोआ भाई पूरे अलीगढ़ में कोई नहीं डाल रहा। क्या रेट क्या है क्वार्टर का इसका? 180 180 है, 180 मैंने देखा था, 180 का क्वार्टर है भाई, जिसमें तीन पीस है यहाँ पे। और इसमें जो है ना अब इनके मसाले जा रहे हैं, जिसमें आ गया नमक, ये आ गया नारियल, नारियल का बुरादा भाई है। ये क्या आ गया? ये मसाला, कौन सा सब्जी मसाला या क्या? मीट मसाला, गरम मसाला, ये है आपका किचन मसाला। अच्छा, किचन किंग है ये। लाल मिर्च आ गई, ये आ गई दूसरी वाली लाल मिर्च कश्मीरी, और एक दूसरी लाल मिर्च है ये कसूरी मेथी आ गई, ये सारी चीज़ आ गई इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट हो गया ये कि अभी इसमें और भी कुछ जाएगा इसमें? बस हो गया, अब इसका बुनाई चलेगी। अब इसकी बुनाई हो गई है, बटर चिकन की बुनाई भाई मेन है। तो अभी इसकी बनेगी बुनाई, और उसके बाद दिखाते हैं भाई आपको किस जो है ना कलर किस तरह का इसमें आता है भाई। यहाँ पे भाई इसमें थोड़ा सा ना कलर आ गया है, और जो ऑयल है ना वो भी सेपरेट हो गया है ग्रेवी में से। और इसके बाद जो है इसमें जाएगा यहाँ पे अमूल का मक्खन जा रहा है ये, और साथ में जाएगी अब इसमें क्रीम है। तो यहाँ आ गई भाई क्रीम हमारी, इसका ये चेक करें भाई, ये क्रीम आ गई इसके अंदर। अभी भाई ने जो है ना इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली है, जिससे थोड़ा हल्का फल्का मिठास जो है वो आ जाए भाई इसके अंदर, मसाले बैलेंस हो जाते हैं, मसाले जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे सारे। अब इसको सर्व करा जाएगा भाई। ये आ गया भाई पुराने दिल्ली का ज़बरदस्त सा बटर चिकन भाई, खुशबू ना यकीन मानिए भाई, बहुत ही अल्टीमेट खुशबू आ रही है भाई। और भाई ने जो है ना इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और केवड़े का जो पानी होता है ना वो भी डाला भाई इसमें, और उससे जो खुशबू जो चेंज आई ना वो बहुत ज़बरदस्त खुशबू चेंज हुई है। ये जा रही है इसमें क्रीम, ये आ गया अमूल का बटर है।
तो ये भाई इनका बटर चिकन चेक कर लें भाई एक बार। ये है जिसके लिए मैं स्पेशली आया था, लेकिन मुझे जो है ना ये भी बहुत पसंद आया। और बटर चिकन बिल्कुल दिल्ली वाला है, ये ओरिजिनल बटर चिकन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ही मतलब फ्रेश हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई। ये इनकी बटर नान चेक कर लें भाई, बटर नान का साइज़ जो है ना वो चेक कर लें भाई। ये बटर नान है इनकी, और बटर नान जो है हर जगह आपको अच्छी मिलेगी नहीं, साइज़ की वजह से भी और कलर की वजह से भी चेक कर लें। और खुशबू जो है ना इसमें तो बहुत बहुत सारी। तो इसको बटर नान को भाई तोड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, और बटर चिकन के साथ जो लगाएंगे ना इसको इस तरह से भाई, ये चेक करो भाई, ये जो निवाला तैयार हुआ है भाई बहुत अल्टीमेट। बिस्मिल्लाह, बहुत ही बैलेंस है भाई। ये पीस दिखा देता हूँ मैं आपको, पीस जो है ना भाई ये चेक करें भाई, जिस तरह से पीस जो है ना यहाँ पे, ये भाई फ्रेश जो चिकन है ना इसकी जो बात है वो भाई रखे हुए चिकन में वो बात कभी नहीं आ सकती भाई। बटर चिकन में हल्का सा मीठापन है, ये क्रीमीनेस है, और तंदूरी रोटी के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई वो भाई अल्टीमेट है। और इसको जो है ना यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद उसको ट्राई करेंगे कितना। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं और बेहतरीन से डिनर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी जगह हो सकती है। खाने का टेस्ट जो है वो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त है। बात करें अगर बटर चिकन की तो इसको मैं दूंगा 10 में से पूरे 9 मार्क्स, 9 पॉइंट दूंगा भाई, क्योंकि जो है ना जो बटर चिकन है भाई बहुत ही अल्टीमेट है भाई, क्वांटिटी वाइज भी और टेस्ट वाइज भी इसको ट्राई करते हैं। वाह भाई वाह, इनका रायता तो इस तरह से भाई बटर चिकन पे थोड़ा सा रायता मिलाएंगे, ये चेक कर लेंगे। तो इसी मज़ेदार से बटर चिकन के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मुझे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मज़ेदार वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा अपना बहुत सारा ख्याल।